by the end of this session, I can make all of you believe कि आप लोग भी content creator बन सकते हो. कितना cool होगा ना if I go to the CEO and say sir, इस बार 60% hike दे दो. And he says, छोटी बच्ची हो क्या? खैर ये जो तीन लोग हैं वो इतना रोस्ट और इतना रैंड करते कि गलती से ये लोग मोटिवेशनल स्पीकर बन गए तो ये बोलेंगे फिकर मत करो यार कुछ ठीक नहीं होगा. सो सलोनी करिश्मा एंड मिथिका वेलकम टू आइडियाज ऑफ इंडिया. माय या इट्स ऑन. हाय एवरीवन. हेलो हेलो. यार नाश्ता वगैरह तो मिला होगा आई एम श्योर है ना. बी लाउडर मत पूछो ये सब शायद नहीं मिला है उन्हें. आई वॉन्ट यू नो सब लोग रील्स बना रहे हैं शादियों में जाओ आंटी बच्चे सब रील्स बना रहे हैं मैं झुकेगा नहीं चाहे आंटी की पीठ ने जवाब दे दिया हो. मुझे बताओ जब सब कॉन्टेंट बना रहे होते हैं और सब कुछ कॉन्टेंट होता है आप लोग कैसे ढूंढते हो कि मेरा कॉन्टेंट क्या है क्या वायरल जाएगा. नहीं मैं तो जोक ही मारने वाली थी कि इनके घर में तो खुद तीन चार लोग बना रहे हैं. आई थिंक जब आप ओरिजिनल होते हो ना जब आपको पता होता है कि जो आप हैं और वो आप अपनी ऑडियंस को दिखा रहे हैं तो वो आपको अलग करता है सबसे. तो कंटेंट जैसे आपने कहा सब बना रहे हैं अच्छा कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं. ऑब्वियसली हम सब लोग अप्रिशिएट करते हैं जितना भी लोग कंटेंट बनाते हैं बट जब आपकी वो आप जो ओरिजिनल जैसे दिल से होते हैं वो आप रिफ्लेक्ट करते हैं अपने वीडियोज़ में आई थिंक वो एक सबसे बड़ी चीज़ है जो आपको अलग से स्टैंड करती है. मिथिका व्हाट अबाउट यू. हम तो बचपन से छोटे बच्चों के बुली रहे हैं तो हम पकड़ के बुली कर देते हैं लोगों को कि अच्छा ये स्नैपचैट स्ट्रीक बना रही है भाई अब तो अब अगली वीडियो तुम्हारे ही ऊपर आएगी. तो जब हम बहुत मतलब 15-16 ईयर्स के थे जब हमने स्टार्ट किया था कंटेंट बनाना तो हम अपने साथ की लड़कियों को पकड़ते थे कि भाई तुम कमिटेड हो गई हो अच्छा. तो मेरे खिलाफ़ ना एक गैंग बन गया था मेरे स्कूल में कि ये हम ही लोगों के ऊपर वीडियोज़ बनाती है. तो स्टार्टिंग हमने बुली करने से ही किया था और इसके बाद धीरे धीरे बाहर के लोगों को बुली करना चालू कर दिया. मतलब अब जब हम लोग यहाँ से निकलने वाले तो हम सब पे कंटेंट बनने वाला है फॉर श्योर. नहीं हम सुंदर लड़कियों पे कंटेंट नहीं बनाते. मुझे लगा वो बोलेगी हम सुंदर लड़कियों पर ही बनाते हैं. सलोनी मुझे आप नेक्स्ट आंसर जो है कंगना की आवाज में देंगे. नहीं नहीं ये हर बार लास्ट टाइम मैंने इनके साथ इंटरव्यू किया था तब भी यही कराया था क्या सानिया कुछ तो प्रिपेयर करना था. मुझे बताओ क्या डिजिटल दुनिया में कुड़ियों का है जमाना. ये क्या है ये कोई गाना है क्या. हाँ यार अच्छा हाँ जी बिल्कुल कुड़ियों का जमाना है. मुझे सॉरी ये गाना नहीं पता कौन सी फिल्म का गाना है ये. ओके हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं क्योंकि मुझे भी नहीं याद ये कौन सी फिल्म. ओके 2022 में इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री जो थी उसकी वैल्यू थी 12 बिलियन रुपीज. मुझे बताओ आरजे करिश्मा आप एक फुल टाइम जॉब भी कर रहे हो और इन्फ्लुएंसर बन के ही पैसा कमा रहे हो तो क्या कीजिएगा इतनी धनराशि का. क्या कीजिएगा इतनी धनराशि का. ये लाइव है ना हम लोग ऐसे सवाल नहीं पूछते यार वैसे. बट यार टू बी वेरी फ्रैंक मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि ये धनराशि आ रही है तो मुझे उस चीज़ की खुशी है. मैं बचपन से ही ऐसी थी. अभी मैं थोड़ा सा लंबा बोलने वाली हूँ क्योंकि यू नो मेरा जेन्युइनली जब भी मैं कोई इंटरव्यू देती हूँ मैंने अपनी स्टोरी कभी शेयर नहीं की है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ क्या हुआ. तो आपकी क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है बट मैं वहाँ बाद में आऊँगी. जब मैं मतलब ऑब्वियसली सबको पता है यहाँ पे कि सारे पेरेंट्स यही चाहते हैं या तो उनके बच्चे इंजीनियर बने या तो डॉक्टर बने. तो मेरी फैमिली में भी यही था कि सब लोग इंजीनियर थे तो सब ने यही बोला कि तुमको भी मैथ्स लेके पीसीएम लेके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ऑब्वियसली तुमको इंजीनियरिंग करनी है. पर मुझे नहीं करनी थी फॉर श्योर मुझे नहीं करनी थी और मैंने मास कॉम किया. उसके बाद मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ और मुझे आरजे बनने की अपॉर्चुनिटी मिली. पर मुझे पता था कि जो एक्टिंग का कीड़ा है ना मेरे अंदर है वो कैसे भी निकालना है. तो आरजे जब आप होते हैं तब आपके पास सिर्फ एक माइक है और उसके पीछे आप हैं तो उसमें एक्टिंग करने का आपको ऑब्वियसली मौका नहीं मिलता है. तब मैंने स्टार्ट किए थे अपने वीडियोज़ बनाने. बहुत पहले की बात है मैं महीने में एक वीडियो बनाती थी और पोस्ट करती थी और फिर सबकी तरह जब मुझे लगता था लाइक्स और व्यूज़ नहीं आ रहे तो मुझे लगा यार ये कुछ भी हो रहा है. बट फिर भी क्योंकि मुझे इच्छा होती थी मतलब मैं चाहती थी मैं लोग वो वीडियोस बनाऊं और लोगों को हंसाऊं तो मैं बनाती रहती थी. अब जब पैंडमिक के टाइम पे सब लोग घर पे बैठे हुए थे और
यू नो सब लोगों ने शुरू किया कुछ ना कुछ, कोई शेफ बन गया उस टाइम पे, कोई पेंटर बन गया, कोई डांसर बन गया, सभी लोग निकम्मे बन गए, सबका एग्जैक्टली सबका टैलेंट जो है बाहर आया. तो मुझे लगा कि यार मुझे भी करना चाहिए. तो 2021 की बात है, जून में जब मैंने स्टार्ट किया था, आई वॉज ऑन 45K इफ आई एम नॉट रॉन्ग. वो इसलिए क्योंकि मैं एक आरजे थी, तो ऑब्वियसली हम लोग बाहर इवेंट्स के लिए जानते थे तो लोग मुझे जानते थे, बट जिस जहाँ जिस सिटी से मैं बिलोंग करती हूँ उससे वो लोग जानते थे. उसके बाद मेरा जो जर्नी स्टार्ट हुआ वो एक वीडियो जो मैंने बनाया था, दैट वाज ऑन सास बहू, जो कि वायरल हुआ था. वो मैं पहले पोस्ट भी नहीं कर रही थी, मैंने कहा यार लोग पता नहीं क्या बोलेंगे, लेट्स नॉट पोस्ट इट. तो मेरी जो एल्डर सिस्टर है उसने मेरे को बोला इट्स वेरी फनी, यू शुड पोस्ट इट. तो मैंने उसको सेल्फ रिजेक्ट पे डाल दिया था कि मैं तो बिल्कुल ऐसे पोस्ट नहीं करूँगी. दैट वॉज माई फर्स्ट वीडियो विच गॉट ऑलमोस्ट 1.1 million व्यूज इन 3 days. एंड आई वॉज लाइक ये क्या हो गया यार. और उसके बाद वो कहते हैं ना कि आप वो सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हो. जब भी मुझसे कोई ये क्वेश्चन पूछता है ना कि आप एक फुल टाइम आरजे भी हैं और आप कंटेंट क्रिएटर भी हैं, तो मैं ये कहूँगी वो इसलिए दोनों मुझसे हो जाता है, या जैसा मैंने कहा कि धनराशि का तो पता नहीं, बट पैशन है मेरा. मतलब मैं अगर मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा होगा मैं सिर्फ वीडियोस बनाऊंगी, मैं खुश हो जाती हूँ. क्योंकि लोग मुझे मैसेज करते हैं कि आपके वीडियोस देख के जो हमारे चेहरे पे स्माइल आती है ना वो अलग ही होती है. तो ऑब्वियसली मेरा अवार्ड, मेरी धनराशि मुझे लगता है मेरी ऑडियंस ही है जिनको मैं हंसाती हूँ. और जो आरजेइंग है वो इसलिए साथ साथ चल रही है क्योंकि वो कहते हैं ना कि वो एक स्टेपिंग स्टोन था मेरे लिए, जहाँ से चढ़ के मैं आगे पहुँची हूँ. तो उसको छोड़ने का भी बिल्कुल मन नहीं होता. मेरी बॉस इतनी खुश हो गई ना, मस्त अप्रेजल होगा मेरा कि भाई बहुत अच्छा बोल लिया इस लड़की ने. सो या आई गेस धनराशि का तो पता नहीं, ऑब्वियसली हाँ यार कमाई तो सबकी होती है, बट मेरी कमाई वो मेरी ऑडियंस का अप्रिसिएशन है जो मुझे हमेशा देते रहते हैं. सो या बट वो पूछ रही है पैसे वाली कमाई का क्या, पैसे वाली कमाई का मुझे क्या करना है. आई थिंक यार कोई मानेगा नहीं बट मैं बड़ी इमोशनल तरह की इंसान हूँ. तो जब भी मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरे पास बहुत पैसे आ जाएंगे ना, तो मैं ऐसा करूँगी कि मैं कोई आश्रम खोल दूँगी. अभी सपने वैसे हैं पर आई डोंट नो कि उनको कितना आगे तक मैं ले पाऊँगी. बट अगर आप स्टार्टिंग की बात करें तो मैं बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे मेरी माँ के लिए बहुत कुछ करना है. तो अभी कभी होता है ना आप कहीं जाते हो तो आपको प्राइस टैग देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि अगर आपकी मॉम को कुछ पसंद आ गया और आपको कुछ पसंद आ गया तो जस्ट पिक इट अप और बोलते हो मैंने आपके ले लिया. तो मुझे लगता है मेरे आसपास जितने लोग हैं ना उनको खुश करने के लिए धनराशि का यूज़ करने वाली हूँ मैं. सो या फॉर श्योर. मिर्जा आपकी स्टोरी हाउ यू स्टार्टेड मेकिंग कॉन्टेंट वो सबको बताओ प्लीज़. तो आपको कौन सी वाली कहानी सुननी है, जब मम्मी ने मेरा अकाउंट पकड़ा या फिर जो हमने स्टार्ट किया था एकदम बनाना? जब मम्मी ने अकाउंट पकड़ा. तो हम बहुत ही उजड़ खानदान से आते हैं, मतलब मेरी घर पे कोई इज्जत नहीं थी कभी से. अब बच्चा है बैक बेंचर, ठीक है, उसको कोई मतलब नहीं भाई पढ़ाई लिखाई से. 10वीं का रिजल्ट आया था, मेरे घर पे जूते चप्पल चल रहे थे मेरे ऊपर, जबकि मेरी शक्ल देख के अनुमान लगा सकते हैं आप कि इस लड़की के ज़्यादा नंबर नहीं आए होंगे. मेरी मम्मी को भी पता था, पर फिर भी अब भाई माहौल ख़राब था घर का. उसके पहले हम आईडी बना चुके थे. धोखा क्या दिया था मम्मी को कि मम्मी इस आईडी पे हम गाना गाएंगे ताकि ये आईडी बंद ना कराई जाए, तभी इस आईडी का नाम साउंड ब्लेस पड़ा. फिर हमने स्टोरी हाइड कर दी, स्टोरी पे भाई जोकराई मचा रखी थी हमने, एकदम रिप्लाई दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं. और एक दो स्टोरी कभी कभी मम्मी को दिखा देते थे तो मम्मी कहती थी बड़ा ये तो हमें नहीं दिखाई दे रही है, तो हम कहते थे ग्लिच है ग्लिच. और इंडियन मदर्स इतनी अच्छी होती है, इन्हें कुछ भी पढ़ा दो ये पढ़ लेती हैं. तो भाई पढ़ा दिया हमने. फिर एक दिन ये आई मेरे पास और कह रही हैं ये जो तुमने हाइड कर रखी है ना इसे अनहाइड कर दो वरना घर से निकाल देंगे. हमने कहा ठीक है अनहाइड कर दी. फिर उन्होंने देखा वेखा अकाउंट तो कहा इतना कुछ गलत काम तो कर नहीं रही है. फिर जब इन्होंने मेरी हाईलाइट देखी जाके तो कह रही हैं ये क्या जोकराई मचा रखी है तुमने, हमने इतने अच्छे से तुम्हें पाला था और तुम ये सब करोगी अब. तो फिर भाई दुखी तो बहुत हुए थे हम कि ये क्या बोल रही है मम्मी, पर फिर बेशरम बच्चा क्या ही करता, लॉकडाउन का समय था, बोर हो रहे थे. फिर बनाया कंटेंट, बुली किया लोगों को इंटरनेट पे, बस बुली हुए किया. अब मम्मी खुश हैं? अब पैसा इन्वॉल्व हो गया है तो अब तो बहुत खुश है मेरी मम्मी. सलोनी आपकी जर्नी एक हॉस्टल की सीलन वाली वॉल से शुरू हुई थी.
मुझे बताओ कैसा था वो सफर, क्या पता था कभी इतनी वायरल हो जाओगी? उसका तो पढ़ाई से रिलेटेड था, मेरा ये था कि पढ़ाई के बाद भी मेरे पास इतना टाइम बच जाता था कि कुछ तो करना ही था। खाली मैं भी बहुत थी वहाँ पे और मेरी फैमिली भी रोकने वाली नहीं थी, तो मैंने सोचा कि भाई जब इतने भले इंसान मिली गए परिवार में जो कुछ मना नहीं कर रहे, कोई रोक टोक नहीं है, तो क्यों ना एक्सप्लॉइट ही कर ले उनको थोड़ा। तो मैंने कहा देखते हैं इनका कहाँ तक जाता है, कहाँ तक ये सह पाएंगे मेरी जोकरी। तो मैंने किया वही सब। और क्या था दूसरा क्वेश्चन, क्या था आपका? क्या आपने स्टार कैसे आई वो पहली वायरल वीडियो? वो तो हाँ टॉपिकल वीडियो थी, वो दिल्ली पोल्यूशन के ऊपर बनाई थी, तो मैं कहूँगी कि आप सबका सहयोग था उसमें, दिल्ली वालों का, जिसने देश में इतना पोल्यूशन फैलाया और मेरे दिमाग में वो आइडिया आया। और किसी को सांस नहीं आ रही थी बट मेरी वीडियो पे व्यूज़ भरपूर आ रहे थे, मैं बहुत खुश थी कि चलो कुछ तो अच्छा हो रहा है पोल्यूशन से भी। और ऐसे ही वो वीडियो चली, फिर मैंने सोचा कि अब जब चल गया है तो और वीडियोस बनाते हैं। मैंने वहाँ पे आलस नहीं दिखाया, फिर मैंने सोचा कि यही मेरा मौका हो सकता है, क्योंकि मैं जो पढ़ाई कर रही थी, मैं इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस पढ़ रही थी, तो वो ऐसा था कि मेरी एकदम कॉलेज से निकलते ही मेरी प्लेसमेंट नहीं होने वाली थी कहीं पे भी। उसमें तो फिर ऐसा ही होता है कि या तो आप और पढ़ो और फिर PhD वगैरह करके कुछ आपको लगेगा, या आप दूसरों को पढ़ाओ, दोनों ही मेरे बस की नहीं थे। तो मैंने कहा जो जहाँ से मिल रहा है अभी लपेट लो, बाकी आगे तो मेरा कुछ होने नहीं वाला है। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। हाँ, जब रिश्तेदार जो थे जो पहले ताने देते थे कि ये क्या कर रही है आपकी बच्ची, अब जब वो पूछते हैं कि एक आपकी सफलता का सफर का रास्ता बता दो, आप उन्हें बता देते हो कि आगे होके भाड़ में चली जाइए? यार मेरे रिश्तेदार ना हमेशा हमसे दूर ही रहे हैं, क्योंकि मेरी खुद तो इज्जत थी नहीं, तो मेरा ये मकसद रहता था कि खुद की नहीं है तो किसी की मत करो। तो होता क्या था, हमें कोई बुलाता नहीं था, जैसे मेरे मम्मी पापा को कोई बुलाता था कहीं इवेंट में कि शादी है, तो मेंशन करते थे मिथिका को मत लाइएगा। तो हमें तो कभी रिश्तेदारों ने भी इज्जत नहीं दी कि ये लड़की कुछ कर रही है। फिर जब फेमस हो गया तो ग्लैडली हमने कभी अपने रिश्तेदारों से ID छुपाई नहीं, क्योंकि हम उनके लिए भी वीडियो बनाते थे कि आंटी घर पर आई हैं, आंटी ये कर रही हैं, आंटी वो कर रही थी। तो पकड़ लिया किसी आंटी ने एक दिन, तो कह रही है ये तो हम ही गए थे उस दिन तुम्हारे घर से। हमने कहा यार गई तो आप ही थी। तो फिर कह रही है मेरे लिए ही था मतलब, तो हम मुस्कुराए फिर। तो कह रही है ठीक है अब करो जो कर रही हो, क्या ही बोलेगा कोई। तो वही बात है, देखिए कंक्लूजन यही है कि जब पैसा इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर चाहे रिश्तेदार कोई कुछ बोले, चाहे कुछ हो जाए। मेरे ना घर वाले फिर पॉइंट आउट किया, स्टार्टिंग में बोला था उन्होंने भी कि बेटा ये क्या कर रही हो, खानदान में नाक कटा रखी है, सरेआम नीलाम कर रही हो खानदान की इज्जत, जबकि उन्हें पता ही नहीं है हमारे खानदान की इज्जत ही नहीं है कोई, नीलाम क्या करेगा बच्चा, ठीक है। तो बड़ी मुश्किल से जाके रिश्तेदारों को काम डाउन किया था समवॉट कि हाँ भाई बना रहे हैं वीडियो, आप ही के ऊपर है, क्या ही करेंगी अब आप। तो ऐसा कोई बहुत प्रॉब्लमेटिक था नहीं। मिथिका इज बाय द वे 18, हैज बॉट हर ओन हाउस, हर ओन कार, सो ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट। क्या बोला हमने, पैसा बोलता है। किसी की हिम्मत नहीं है इसके बाद तो इससे कुछ बोलने की। गाइस आप दोनों के साथ रिश्तेदारों का क्या रिलेशनशिप है? मेरी तो भाई मम्मी, अगर मैं अभी कुछ बोल दूं किसी रिश्तेदार को तो वो अभी मेरा कान खींच के बाहर फेंक देंगी, उनका अभी भी इतना है। और ऐसा है कि पहले जब मैं वीडियो बना रही थी तो उनके घर पे कॉल आते थे कि ये पढ़ने गई है क्या कर रही है, मेरी मम्मी तब भी सुन लेती थी, अब भी सुन लेती हैं। उनका हमारे घर में नहीं बोलता पैसा वैसा, मेरी मम्मी तो भाई उन्हें रिश्तेदारों से बना के रखनी है। अभी मेरे भाई की शादी हुई, वहाँ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं उनके साथ फोटो खिंचाऊं, भैया को भाव ही नहीं दे रहे हैं वो, मतलब सोचो दूल्हा दुल्हन स्टेज पे बैठे और वो मेरे साथ फोटो खिंचा रहे हैं, मैं खाना नहीं खा पाई। तो मैंने मम्मी को कंप्लेन किया, मैंने कहा मम्मी मैं तो भाई अपने ही भाई के रिसेप्शन में खाना नहीं खा पा रही हूँ इनकी वजह से, और ये ही घर पे पहले बुराई करते थे। तो मम्मी कह रही है कोई दिक्कत है इसमें, अगर दो चार हंस के फोटो खिंचा लोगे किसी से, दो चार बोल लोगे हंस के, तो क्या चला जाएगा तुम्हारा। वो अपना इसी में खुश हैं कि हर रिश्तेदार को बेडशीट का डब्बा चला जाए, मिठाई का डब्बा चला जाए। तुम बदतमीजी से मना बोलो, मेरे बच्चों को हाय ना लगे, सारे रिश्तेदार खुश होके जाए। मैंने कहा बच्चे चाहे उदास हो जाए उन्हें कोई मतलब नहीं है। What about you, Karishma? Yeah, आई थिंक मैं काफ़ी सेफ खेलती हूँ, अपने रिश्तेदारों को छोड़ के मैं दूसरे के रिश्तेदारों पे बनाती हूँ, तो मैं काफ़ी सेफ होती हूँ उस मामले में। बाकी मुझे लगता है हर किसी का रिश्तेदार एक ही हरकत पटकता है, तो यहाँ पे किसी को ऐसे नहीं लगता है कि अच्छा ये हमारे लिए बनाया होगा, तो इसलिए कोई झंझट नहीं है, मतलब बाकी सब सॉर्टेड है। हम आइडियाज ऑफ इंडिया पर यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड लीडर्स भी हैं, आप बताओ ब्रांड्स के से कोई कंप्लेन है तो अभी कर दो, कोई बोलता है कि ऐसे एक वायरल वीडियो बना दो? हाँ बोलते तो हैं, पर जैसा उसने बोला जब पैसा इन्वॉल्व हो जाता है फिर हम भी बिक जाते हैं कि हाँ ठीक है आप मालिक जो बोलेंगे हम कर देंगे।
बॉलीवुड ने ये इनग्रेन कर दिया हमारे दिमाग में कि लड़कियों को वो लड़के पसंद आते हैं जो उन्हें हंसा सकते हैं. तो अब आपको कैसा लगता है व्हेन यू आर एट द ड्राइविंग सीट ऑफ कॉमेडी इन इंडिया? दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब हाँ मैं तो उन्हीं लड़कों के पीछे जाऊंगी जो हंसा सकते हैं. हाँ ऑब्वियसली बॉलीवुड ने ये तो सही बोला है, बट हाँ इट फील्स ग्रेट. पहले तो यही होता था कि मतलब ये तो आज भी होता है कि हाँ लड़कियाँ फनी नहीं होती हैं, एक दो कॉमेंट्स तो आ ही जाते हैं ऐसे. बट फिर कॉमेडी सब्जेक्टिव है और जो लोग हमारी कॉमेडी पसंद करते हैं उनका अप्रिसिएशन से अच्छा लगता है कि हाँ दिस इज़ चेंजिंग नाउ. आज लड़कियां भी एकदम फुल हाउस शो देती हैं अपना अगर स्टैंड अप कॉमेडी कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं. करिश्मा ने जैसे बोला कि कहाँ से कहाँ शी हैज़ रीच्ड इन नंबर्स, तो वही है ना, लोगों को हमारी कॉमेडी भी पसंद आ रही है तो इट फील्स ग्रेट. हमें तो यार मतलब वही लड़के थोड़े ठीक लगते हैं जो मेरे जोकों पे हंसते हैं. तुम हंसो, इठलाओ, खिलखिलाओ, लाल हो जाओ, तो इससे सुंदर चीज़ क्या होगी. और भाई ये होता है ना, हम जोक मार रहे हैं तो सामने वाला भी फनी है तो वो हंसता नहीं है, फिर वो दिमाग लगाने लगता है हम भी इसको और फनी कर दें. तो मेरा ये मकसद है कि हम जोक मार रहे हैं, तुम वो सुनो, तुम उस पर हंसो, ज़्यादा बोलो मत. तो ये वाला सीन है. मुझे बताओ कस वर्ड्स, गालियों पे आपका क्या टेक है? बहुत सारे लोग गालियाँ यूज़ करते हैं. जब एक आदमी देता है गालियाँ कॉन्टेंट में, लोगों को लगता है हाँ हाँ बहुत फनी है, बट औरत देती है तो स्टीरियोटाइप कर देते हैं कि ये इस टाइप की वीडियोस बनाती है. व्हाट इज़ योर टेक ऑन कस वर्ड्स, यूज़ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, आपका क्या टेक? यार आई थिंक इट डिपेंड्स कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, आप किसे केटर कर रहे हो. गालियाँ मतलब तो सबको पड़ती है यार. नहीं नहीं, आई एम सेइंग कि सामने कौन है जो आप बना. आपने कहा ना कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस बात मैं कह रही हूँ कि आप अपना कंटेंट किन्हें सर्व करते हैं. तो अगर मैं अपने कंटेंट की बात करूँ तो मेरे कंटेंट में सब लोग ऐसे हैं कि अगर मेरे मुँह से कभी पागल भी निकल जाए ना तो वो हाय तौबा करिश्मा ने पागल बोल दिया. तो मैं वहाँ पर नहीं सोच सकती कि मैं अपनी ऑडियंस को कुछ ऐसे वर्ड्स ऐसे यूज़ करूँ. मतलब इट टोटली डिपेंड्स कि आप किसे अपना कंटेंट दिखाना चाह रहे हैं. और जैसा कि कहते हैं कि लड़के गाली देते हैं तो काफ़ी कूल लगता है या लड़कियां गाली देती हैं तो काफ़ी कूल लगता है, तो अभी अगर मैं यहाँ पे पूछूं तो शायद मिथिका का जवाब उस चीज़ के लिए कुछ अलग होगा कि क्या तुम्हें लड़के कूल लगते हैं गाली देते हुए. नहीं हाँ या ना, यू हैव टू से. नहीं अगर बता दो सच्चा यार मिथिका. भाई मैं सच बोल दूंगा, मैं निकाल दिया जाऊंगा यहाँ से. नहीं हाँ बोल. अगर देखिए हाँ. अगर अच्छे मतलब डिसेंट, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही विभत्स गाली दे दी, पर हाँ अगर मौका लगा और दे दी हाँ. तो खराब भी नहीं लगता है. बस मौके की बात है कि आप दे कहाँ रहे हैं, आप exactly. मम्मी के सामने दे रहे. व्हाट अबाउट यू? मैंने तो कभी गाली दी ही नहीं है तो सी मतलब आप ऑन कैमरा सलून. नहीं ऑफ कैमरा भी नहीं दी है मैंने कभी. मैं शरीफों में से आती हूँ जो अब हाँ मतलब मैं यही कहूँगी कि जरूर यहाँ पे इतने लोग बैठे होंगे, किसी का पैर भी टेढ़ा हो जाता है तो मुँह से कुछ निकल जाता है. समझ रहे हो मेरी बात? तो इट डिपेंड्स कि सामने कौन है, किसे केटर करना चाहते हो. और मुझे लगता है उसे कोई वैसा करने का नहीं है कि मतलब गाली देकर आपका कंटेंट चल रहा है या बिना गाली के आपका कंटेंट चल रहा है. वो लोग का भी कंटेंट चल रहा है ऑब्वियसली जो अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ करते हैं, उन लोग का भी चल रहा है जो नहीं करते हैं. अगर आप मेरा कंटेंट देखेंगे ऑब्वियसली या सलोनी का देखेंगे और मिथिका का देखेंगे, आई डोंट थिंक कि हम लोग कभी भी ऐसे गाली का यूज़ करते हैं. एंड आई हैव 5.6 million फॉलोअर्स एंड आई एम प्राउड ऑफ इट. व्हाट अबाउट यू? सॉरी आई हैव 1.1 million. या मैन आई मीन हाँ हम लोग मिलियन में खेल रहे हैं ना बिना गाली दिए. तो आई थिंक क्या अभी जो दे रहा है तो मैं ये नहीं कहूँगी कि यार बहुत गलत बात है मत दो. मतलब मुझे मम्मी नहीं बनना है ऑब्वियसली. आप अपनी टारगेट ऑडियंस को वैसे, आपकी टारगेट ऑडियंस वैसी है तो आप उन्हें वैसे सर्व कीजिए. सो नो कमेंट्स. बट एक वो भी इसमें मुझे लगता है, जैसे कुछ लोग बोल देते हैं कि इसकी वीडियो तो इसीलिए चल रही क्योंकि ये गाली देता है. नहीं वो जैसे करिश्मा ने बोला वो टाइमिंग पे देते तभी फनी लगता है. पूरी वीडियो में गाली देते रहोगे तो नहीं हंसेंगे लोग. वो हंस रहे हैं क्योंकि वो सही टाइम पे दिए और वहाँ ज़रूरत थी गाली देने की. और ये लड़की है तो इसका कॉन्टेंट चल रहा है, थोड़ी बहुत ठीक दिखती है तो इसका कॉन्टेंट चल रहा है. अभी आपने मुझे यहाँ पे देखा, कोई पहचान ही नहीं पाता है मुझे कि मैं ये हूँ कि वो साड़ी पे. कई लोग मुझे कॉमेंट करते हैं कि आप 40 साल की लगती है जब आप वीडियो में दिखती है. तो आई डोंट थिंक कि आप कैसे दिख रहे हैं, आप लड़की हैं, जेंडर बायस्ड है. आई गेस आपका जो कंटेंट है वो दिखता है और वो काम करता है. मेरे लिए तो मतलब यही लर्निंग है और वही चल रही है. सो यार आप लोग जो सब वो कॉमेडी कंटेंट बनाते हो, मुझे बताओ जब सैड होते हो तब क्या करते हो? कंटेंट नहीं बनाते या फिर भी अपने आप को फोर्स करते हो कि नहीं यार बना लो? मैं तो भगवान की कृपा से कभी सैड होती नहीं हूँ. अभी टच वुड अब आगे भी ना हूँ मैं.
पता नहीं मेरी डिफॉल्ट सेटिंग ऐसी ही है, मतलब मैं तो खुशी रहती हूँ वैसे तो. दिल टूटने पर भी नहीं, मेरा दिल विल नहीं टूटा है अभी तक. ओहो भाई मैं तो गायब हो जाता हूँ, मेरी एक दो महीना रील ही नहीं आएगी अगर मैं सैड हो गया तो मैं अपने आप को फोर्स नहीं करते भाई कि वीडियो बनाना है, कंटेंट जाना ही चाहिए. जब तक मन नहीं है नहीं बनाते, क्योंकि अगर आप फोर्स करेंगे तो आप बहुत लिमिटेड टाइम तक वो चीज़ कर पाएंगे, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं. बट मुझे लगता है मेरी आरजेइंग ने काफ़ी हेल्प की है इस चीज़ के लिए. यू नो, आपको लाइव शोज़ करने पड़ते हैं, आपकी लाइफ एकदम ऐसी हो रही होती है, कभी कभी आपका ब्रेकअप हुआ होता है, कभी आपको आपकी मम्मी से इतनी डांट पड़ी होती है कि आपको लगता है कि मैं क्या करूं. बट लाइव शोज़ के टाइम आपको लिटरली यहां से आंसू पोंछने होते हैं और यहां पे आप अपनी लाइव लिंक डिलीवर कर रहे होते हो. तो मेरे लिए, मैं रो भी रही होती हूं तो मुझे कॉन्टेंट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बना लेती हूं रो रो के. सो आई डू इट. मुझे बताओ व्हाट आर सम मिसकंसेप्शन जो लोगों को लगता है अबाउट इन्फ्लुएंसर्स, जो आपको लगता है ऐसी तो नहीं होती लाइफ. क्या इन्फ्लुएंसर्स आसानी से पैसे कमा लेते हैं? ये तो नहीं आसानी से, तो मतलब अगर कंपेयर किया जाए बाकी फील्ड से, लोग इतने साल पढ़ाई करते हैं फिर नौकरी करते हैं फिर प्रमोशन होता है फिर उन्हें पैसे मिलते हैं, हमें ब्रांड डील आ जाती है हमें मिल जाता है, तो कंपेयर किया जाए तो थोड़ा ईजी है कह सकते हैं. पर मिसकंसेप्शन ये है कि यार पैसा, जैसे मेरे साथ तो ये कि लोगों को लगता है मेरे पास पैसा है, मेरे पास नहीं है, मेरे घर वालों ने हथियार लिए हैं पैसे. मुझे टूटे मिलते हैं, जो 10-5 रुपए बचते हैं वो मुंह पर मार दिए जाते हैं. तो हाँ, करिश्मा व्हाट अबाउट, सॉरी क्वेश्चन क्या था, मिसकंसेप्शन यू हर्ड अबाउट इन्फ्लुएंसर जो आपको लगा ये तो बिल्कुल सच नहीं है? हाँ सी, मतलब मुझे ऐसा लगता है, देखो हम अपनी फील्ड की नहीं बात करेंगे क्योंकि हम सब तीनों कॉमेडी कॉन्टेंट क्रिएटर है और काफ़ी रिलेटेबल कॉन्टेंट बनाते हैं. बट कई लोग ऐसा भी बोलते हैं जो ऑब्वियसली सिर्फ डांस करते हैं या अच्छा इनको देख लो भाई ये यही कर रहे हैं. भाई वो उनका काम है और उसकी मेहनत लग रही है. अगर ये व्हाट वाज नज़मा अप्पी ना, हाँ, अगर वो बन रही है तो उसके लिए भी शायद उन्होंने 2-3 घंटे निकाले हैं जिसमें वो अपनी स्क्रिप्ट रेडी कर रही हैं. मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे कजन्स आते हैं, वो पार्टी करने के लिए जाते हैं और मैं बोलती हूँ नहीं नहीं मुझे वीडियो बनाना है. वो दुख भी होता है मुझे कि यार वो सब लोग इन्जॉय कर रहे हैं और मुझे नहीं करने को मिल रहा है. आई गेस हर फील्ड में ऑब्वियसली हार्डवर्क तो है. जैसा मिथिका ने कहा कि इतने साल पढ़ाई करके और फिर बॉस की खिटपिट सुनना, नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है, अगला तुम क्या कर रहे हो, इन सब चीज़ों से हम बचे हुए हैं. ये सब हमारे ऊपर ये हैमरिंग नहीं होती है, उसमें वी आर ब्लेस्ड. बट आई थिंक हार्डवर्क तो लगता है यार. मतलब ये कहने की बात है कि हाँ ठीक है एक खड़े तो हो जाते हैं एक वीडियो बना के और मिल जाता है इनको पैसा, दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स रियली नॉट ट्रू. ओके, एक व्यूअर क्वेश्चन है कि पहले मैं सैड थी फिर मैंने इंग्लिश सीखी, सॉरी मैंने गलत बोल दिया ये जोक तो मैं दोबारा बोल रही हूँ. व्यूअर क्वेश्चन है कि पहले मैं दुखी थी फिर मैंने इंग्लिश सीखी मैं सैड हो गई, तो मुझे बताओ बायस है क्या जो हिंदी में कंटेंट बनाते हैं और जो इंग्लिश में कंटेंट बनाते हैं? मैं तो दोनों में बना लेती हूँ, डिपेंड करता है कि टॉपिक क्या है. तो अगर आपको लगता है जो इंग्लिश में कंटेंट बनाते हैं उन्हें ज़्यादा इज्जत मिलती है जो हिंदी में बनाते हैं? अच्छा, इज्जत के हिसाब से मेरे को लगा ऐसे व्यूज़ के हिसाब से. मेरे इंग्लिश कंटेंट पे नहीं आते, मैंने इतना हिंदी बना लिया कि मेरी ऑडियंस ही अब हिंदी कंटेंट की हो गई है. बट मुझे नहीं लगता अब कोई बायस रह गया है ऐसा, सबकी अलग अलग ऑडियंस बन गई. जो हिंदी में कंटेंट बना रहे वो सब टाइटल्स दे देते हैं तो उतना ही चल जाता है वो, और आई डोंट थिंक अब ऐसा कोई बायस है. जैसे मैं अगर इसे स्टैंड अप कॉमेडी से करूँ तो पहले काफ़ी ज़्यादा स्पेस वो इंग्लिश कमेडियंस का ही था, कैनी थे और ये बाकी सारे लोग कनन वनन सब इंग्लिश में कर रहे थे. फिर लेकिन आए ना जाकिर खान वगैरह, ऐसा तो नहीं था कि बायस था लोग उन्हें नहीं सुनने गए. फिर तो सब अपना अपना स्पेस बना लेते हैं, मुझे नहीं लगता कि अब लैंग्वेज के हिसाब से कोई बैरियर रह गया है. मिथिका पहले तो आपने जो जोक मारा है यार लैंड नहीं हुआ यार, जरूरी नहीं है मैं थोड़ी कंटेंट क्रिएटर, मेरा मन किया मैं उठ के चला जाऊं यहां से, ठीक है? सॉरी. पर ये है कि हमें लगता है कि हिंदी में कंटेंट ज्यादा हम प्रेफर करते हैं क्योंकि मतलब लोग ज्यादा रिलेट करते हैं उससे, मदर टंग से भाई हर कोई रिलेट करता है चाहे वो भले कम रिलेटेबल हो, पर फिर भी सबने इंग्लिश का चोला ओढ़ रखा है पर अंदर से तो सब मतलब हिंदी बोलते हैं ना, हिंदी समझ में आती है. वेरी ट्रू. आई थिंक ये हम ऑलरेडी इस चीज़ का प्रूफ दे चुके हैं कि हम लोग तीनों कॉन्टेंट हिंदी में कॉन्टेंट बनाते हैं और हम तीनों लोग यहाँ पे कोई भी नहीं है जो इंग्लिश में कॉन्टेंट बनाता है. आई थिंक इट्स प्रूव बाई इट सेल्फ. बट ये ज़रूर कहूँगी मैं कि जैसा मिथिका ने कहा और जैसा सलोनी ने कहा कि डिपेंड्स कि आप किसके सामने वीडियो बना रहे हो और क्या टॉपिक है आपका, और लोग जज करते हैं पर वही जो अंदर से जो है वो हम हिंदी है तो वो हिंदी ही निकलती है और उसी में हम लोग एक्सप्लेन कर पाते हैं. तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ है, बट हाँ पीपल डू जज, आई सी दैट पीपल डू जज, बट ठीक है डजंट. मुझे तो लगता है उल्टा कम जज करते हैं ऐसा मुझे लगता है. एक हमारा शो आया था तो उसके लिए
पीआर के लिए जो कुछ वीडियोस बनवाते हैं तो उसमें वो करना था, डम शरेट्स खेलने थे, तो वहाँ पे हमें उन्होंने सिखाया, अब हमने ज़्यादा खेले नहीं थे, तो उन्होंने बताया कि हिंदी के लिए आपको ऐसे करना है, इंग्लिश के लिए आपको ऐसे करना है। हमें आधी गाली तो इसी पे पड़ गई कि आपने हिंदी को थम्स डाउन क्यों कर दिया, तो आई थिंक अब तो हिंदी बोलने पर ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है आपको। ओके, नाउ आई हैव सम सिचुएशंस एंड यू आर गोना रिएक्ट इन योर ओन एलिमेंट। ओके, व्हेन मेन से वुमेन आर नॉट फनी, मिथिका, व्हाट्स योर रिएक्शन? तो हम उस लड़के से बोलेंगे कि सबसे बड़ा जोक तो तुम्हारी मम्मी ने ही मारा था तुम्हें, तो तुम तो मत ही बोलो। करिश्मा, जब लोग ब्रांड्स बोलते हैं आप बहुत पैसे चार्ज कर रहे हो, क्या जब ब्रांड्स बोलते हैं क्या आप बहुत पैसे चार्ज कर रहे हो? औकात है भाई। ओके सलोनी, पेरेंट्स, व्हेन पेरेंट्स से कि जो करना है शादी के बाद करना, तो मैं तो शादी कर लूंगी। ओके, जब रिश्तेदार पूछे कितना कमा लेती हो, नहीं तो हम तो बस कहते हैं अरे आंटी खर्चा पानी निकल जाता है बस, इतना चाहे जितना अमीर हो जाओ, बने गरीब रहो भाई, मेरी सलाह मानना। When people say शादी कब कर रही हो? क्या? When people say शादी कब कर रही हो? When people ask you that? Okay. बहुत ऐसा सवाल आपने पूछ लिया है कि मेरी शादी को 5 साल हो गए। प्रोफेशन अलग होता है और ये कुछ ऐसे दो टर्म्स थी कि प्रोफेशन वो होता है जिसे आप डिग्री लेकर हासिल करें ऐसा करके कुछ, तो आई थिंक वो सबके अलग अलग पैरामीटर्स हैं, बट हाँ इफ यू आर अर्निंग देन इट्स अ जॉब। ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग ऑन आइडियाज ऑफ इंडिया एंड गिविंग अस टाइम। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर हैविंग अस। थैंक यू, मजा आ गया। व्हाट अ रिफ्रेशिंगली ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन विद यंग इंडियंस।